जो लिंगदो कमेटी की जो पैसों की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करने का काम सरकार का विश्वविद्यालय प्रशासन का है। एक तरह से अपन देखें कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं प्रदेश के अंदर कॉलेजों के अंदर, तो जो एक डेमोक्रेसी है कॉलेजों की कैंपस की, जो लोकतंत्र व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। अगर हमें आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी तो हम गांधीवादी जो हमारी नीति है उससे उठ के हम भगत सिंह की जो नीति थी उस पर आने के समय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो फैसला किया है उसके खिलाफ, तो यहाँ पे तमाम छात्र नेता मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपका अगला कदम क्या है और क्या मांग है आपकी। जो फैसला लिया गया है किस ढंग तक सही है, किस हद तक गलत है। राहुल मेला, आप तैयारी कर रहे हो, काफ़ी समय से आप यहाँ पे सक्रिय हो, जो ये फैसला लिया गया है क्या मानना है आपका इस पर? देखिए, तो राजस्थान प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी बताए जाते हैं जिन्होंने एक छात्र विरोधी फरमान पेश किया है परसों रात को। ये कहीं ना कहीं छात्र प्रतिनिधियों के लिए नहीं, राजस्थान प्रदेश के संपूर्ण छात्र जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कैंपस में आते हैं, जो कॉलेजों में जाते हैं, उनके लिए एक विरोधी फरमान है। क्योंकि जब छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय में नहीं रहेंगे, कॉलेजों में नहीं रहेंगे, तो उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। एक तरह से अपन देखें कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं प्रदेश के अंदर कॉलेजों के अंदर, तो जो एक डेमोक्रेसी है कॉलेजों की कैंपस की, जो लोकतंत्र व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने हिसाब से कानून बनाएगा, अपने हिसाब से कानून को थोपेगा। तो आप सभी मिलकर यहाँ पर विरोध कर रहे हो, क्या लगता है कि आपके विरोध करने के बाद क्या ये फैसला वापस लिया जा सकता है? जी, हम आज राजस्थान विश्वविद्यालय की तमाम छात्र शक्ति, तमाम संगठनों के लोग सब मिलके एक जाजम पे बैठ के हम गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल करके हम हमारा जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। अगर हमें आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी तो हम गांधीवादी जो हमारी नीति है उससे उठ के हम भगत सिंह की जो नीति थी उस पर आने के समय। बाहर पुलिस बल तैनात है, लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से छात्रों को रोकना है, कुछ माहौल खराब ना हो जाए। वो भी अब पीछे लगने के मूड में नहीं है, सरकार वापस फैसला ले और आप भी चाहते हो कि चुनाव हो, तो इस स्थिति में क्या मनमुटाव हो सकता है, क्या संघर्ष हो सकता है छात्रों और पुलिस में? देखिए, पुलिस प्रशासन तो परसों रात को जब हमारे विरोध में जो फरमान आया था तभी से हमारे पीछे लगी हुई है। कल जो छात्र प्रतिनिधि हमारा जो मंडल था वो हमें इकट्ठे होने के लिए विश्वविद्यालय प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो हमें ज्योति नगर ही क्रॉस नहीं करने दिया गया। कल हमारे ऊपर हमारे फ्लैट में घुस के पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें 5 लोग थे छात्र प्रतिनिधि। जहां पे थे वहां पुलिस पहुंच गई, हमारे घर में ले लिया। हाँ, घर में घुस के हमारे साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जितने पैसे MLA MP के चुनाव में खर्च होते हैं उतने पैसे छात्र नेता यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। देखिए, MLA MP की जब अपन बात करें कि MLA MP चुनाव में भी करोड़ों में रुपए से खर्च होते हैं, तो वहाँ भी तो जब MLA से पूछा जाता है आपकी इनकम कितनी है, तो वहाँ भी तो 3 लाख रुपए इनकम दिखाता है MLA, फिर वो करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? तो ये तो है नहीं कि वो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र प्रतिनिधि है वो कोई गुंडा राज करते हैं या कोई बदमाशी करते हैं या कोई चोर 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 डकैती करके यहाँ पैसे लेके आते हैं। लेकिन जो लिंगदो कमेटी की जो पैसों की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करने का काम सरकार का विश्वविद्यालय प्रशासन का है। विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ कैंपस को गाड़ियाँ लाना बंद कर दो, अपने आप पैसे गाड़ी घोड़े आने बंद हो जाएंगे, पैसे लगने बंद हो जाएंगे, होल्डिंग पोस्ट लगाना बंद कर दो, अपने आप कम हो जाएंगे। तो उस पर तो कंट्रोल करने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन का है। तो बाहर गेट पे देख सकते हो कि एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर, पुलिस बल तैनात है छात्रों को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक जाजम पर तमाम जो छात्र नेता है जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं वो सभी एक जगह एक पटल पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल, इन्होंने कहा भूख हड़ताल आप सभी की है यहाँ पे? हम 7-8 लोग हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी सुबह हमारी बहन कोमल जी ने, अभिषेक भाई ने, इन्होंने अभी सुबह हड़ताल चालू की। हम 7-8 लोग, धर्मेंद्र जी, अपने कौशन भाई और साथ के हमारे रविंद्र महलाओ जी, हम सबने मिलकर कल रात शाम से हम भूख हड़ताल करें रात जब धरने से बैठे। और जब तक सरकार वापस फैसला नहीं लेगी तब तक आप भूख हड़ताल जारी रखोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जारी रखेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।